मास्क पहनो मुहिम की शुरुआत जा रहे हैं तो एक हमारी कोशिश ये सीन है जे जे मार्ग नाटपाड़ा और भिंडी बाजार के, जहां एक एक इंसान को मास्क देकर उसकी जान बचाने की कोशिश की जा रही है। कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया के साथ साथ हमारे देश और विशेषकर मुंबई पर ऐसा असर डाला है कि जिसकी वजह से हमारी आर्थिक स्थिति दिन ब दिन और भी खराब होती जा रही है। आर्थिक स्थिति और कोरोना से बचने के लिए लोग डर डर कर शहरों से गांव की तरफ या फिर कम भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जा रहे हैं, यानी हालत ऐसी हो गई है कि लोग सिर्फ अपनी अपनी जान बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन इसी मुंबई शहर में कुछ ऐसे सामाजिक संगठन भी हैं जिसमें जुड़ने वाले लोग अपनी जान के साथ साथ दूसरों की जान बचाने के लिए भी तन मन और धन से पिछले 4 महीने से जुटे हुए हैं। इसमें नेश और जायंट्स ग्रुप भाईकला का नाम खास तौर से सामने आता है। मुंबई में ये गैर सरकारी संगठन पुलिस और स्थानीय आमदार के सहयोग से मास्क लगाने का एक शानदार अभियान चला रहे हैं। इस ग्रुप में शामिल लोग भिंडी बाजार, जे मार्ग और नागपाड़ा के इलाके में रास्तों पर, चालियों में और बड़े टावर्स में जाकर मास्क, सैनिटाइज़र और सोशल डिस्टेंसिंग की अहमियत बताकर लोगों को कोविड 19 से बचने के तरीके समझा रहे हैं। युद्ध स्तर पर छेड़े गए इस अभियान में नेश यानी नोबडी एवर स्लीप्स हंग्री, जायंट्स ग्रुप भाईकला, स्थानीय पुलिस और यहाँ के कार्य सम्राट आमदार अमीन पटेल बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। जो ये नेस ऑर्गेनाइजेशन है वो कोविड के बहुत पहले से ही ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर बहुत काम करता था। इसका मतलब, नेस का मतलब है नो बडी एवर स्लीप हंग्री, यानी कोई भी आदमी भूखा सोना नहीं चाहिए। ये जोर भाई दीवान है और उनकी टीम है, ये कोविड से पहले ही गरीब लोगों को खाना खिलाने का काम करती थी। कोविड 19 आने के बाद में इन्होंने तकरीबन सभी NGOs के साथ में मिलकर 50 लाख फूड के पैकेट डिस्ट्रीब्यूट किए। इन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट लाया तो उसके अंदर लोकल पुलिस स्टेशन, जैसे यहाँ पे जे मार्ग पुलिस स्टेशन, मैं और नेस ये मिल के, क्योंकि वो पुलिस है, मैं लोकल रिप्रेजेंटेटिव हूँ और ये हमारी पब्लिक है, मिल करके हर सोसाइटी के अंदर एक बोर्ड लगा रहे, सोसाइटी के लोगों से मिल रहे कि मास्क पहनना कंपलसरी है, सोशल हाइजीन रखना बहुत कंपलसरी है, सोशल डिस्टेंसिंग रखना बहुत कंपलसरी है। जैसा कि सोसाइटीज़ के लोग अपने मेड्स है, अपने ड्राइवर है, उनको क्लीननेस के बारे में, रास्ते में थूकना नहीं चाहिए, गार्गल नहीं करना चाहिए, ये सब चीज़ों को सोसाइटी को अवेयर करके, क्योंकि आज जो हम बी वार्ड में है, सी वार्ड में है, ये मुंबई के अंदर सबसे सेफ वार्ड है आज की तारीख में। एक ज़माने में यहाँ पर बहुत ज़्यादा केसेस थे मगर अभी ये केस बहुत सेफ है। तो हमारा ये कोशिश है, पूरा प्रयास है कि जिस तरह से हम लोग नीचे थे, पहले और दूसरे नंबर पे है, ये कोविड जाने तक ये एरिया बिल्कुल सेफ रहे। एज ए लोकल रिप्रेजेंटेटिव MLA मेरी जवाबदारी है कि मैं लोगों से मिलकर उनसे बात करूं और जो नेस का जोर दीवान और उसकी टीम जो स्पेशली साउथ मुंबई के अंदर जो काम करती है उनको सपोर्ट करूं। इस मुहिम में शामिल जे मार्ग पुलिस लोगों पर किसी तरह की सख्ती करने के बजाय सभी लोगों से मास्क के इस्तेमाल की विनती कर रही है। पुलिस की तरफ से आप सबको दरख्वास्त है कि जे की हथी में ये कोरोना के जो बाधित लोग हैं बहुत ही कम होते जा रहे हैं, ऐसा ही सहयोग आपसे अपेक्षित करता हूँ। सबको विनती है कि आप कृपया मास्क पहने, कभी भी आप घर से बाहर निकलते हैं कृपया आप मास्क पहने। जय नहीं, ये बहुत अच्छी काम कर रही है पुलिस के साथ मिलके, ये नेस का जो टीम है वो काम कर रही है, हर एक बिल्डिंग में, हर एक सोसाइटी में, चाली में, झोपड़पट्टी एरिया में जाके पुलिस के साथ वो अपना अवेयरनेस, पब्लिक अवेयरनेस का काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है, उस पुलिस के साथ काम कर रही है। समाज के सभी वर्ग के लोग इस अभियान को सफल बनाने में जुट गए हैं। इस मुहिम में मर्दों के साथ ही औरतें भी अच्छी तादाद में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। इस अभियान में शहर के कई बड़े डॉक्टर्स भी शामिल हैं। ट्रिपल लेयर मास्क बेहतर रहेगा, बुरखा सिंगल लेयर है, इसके लिए बुरखे के अंदर मास्क पहनिए। मर्द अगर हो तो औरों की हिफाजत करो, खुद की भी हिफाजत करो, फैमिली की हिफाजत करो और इस जंग में सबकी जीत पाओ। खुद को महफूज रखो, औरों को महफूज रखो और मास्क पहनो, कोविड को हराओ। इस ग्रुप में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कोरोना लॉकडाउन के पहले से ही आर्थिक मंदी की मार झेल रहे लोगों को 2 वक्त के खाने का इंतजाम कर रहे थे। इन लोगों ने कोरोना लॉकडाउन में कमज़ोर वर्ग को खाने और अनाज से जमकर मदद की।
इसी ग्रुप ने बाद में कोरोना से पीड़ित लोगों की सहायता के लिए जायंट्स ऑक्सीजन बैंक की स्थापना की। हम लोग अभी ये एक मास मूवमेंट है, जो मास्क का मूवमेंट हम लोग करेंगे कि लोगों के घर घर जाएंगे, बोलेंगे आप मास्क पहनो, एहतियात रखो, लॉकडाउन रिलैक्स हुआ है, कोविड रिलैक्स नहीं हुआ है, और हम सब मिलके मुंबईकर मिलके हम गवर्नमेंट को, हमारा पुलिस को, सबको सपोर्ट करेंगे कि ये वी आर बैक टू नॉर्मलसी, कैसे मुंबई वापस नॉर्मल आ जाए। तो द बेस्ट वी कैन डू, हम वो पूरी कोशिश करेंगे, और हम घर घर जाके, हम लोकल एमएलए अमीन पटेल का सपोर्ट लिए, हम जायंट्स बाइकल्ला का सपोर्ट लिए, हम पुलिस का जे पुलिस के जे मार्ग सीनियर जे सीनियर पी है भोले सर, वो हमारे साथ है, हम सब जा जा के बिल्डिंग बिल्डिंग जाके इसको फैलाएंगे। हमारा गेम प्लान ये है कि जब मैं जनरल बात करता हूँ कि आप मास्क पहनो तो कोई सुनता नहीं है, लेकिन अगर मैं किसी बिल्डिंग में जाता हूँ और बिल्डिंग का सेक्रेटरी, चेयरमैन और वो जो की पर्सन के साथ हम लोग बात करते हैं और एक वीडियो बनाते हैं, और वो वीडियो वो बिल्डिंग के व्हाट्सएप ग्रुप में घूमता है, तो मैसेज पर्सनल हो जाता है और वो मैसेज का इफेक्टिवनेस अलग हो जाता है। इस इलाके में शायद ये बढ़ती हुई जागरूकता का ही नतीजा है कि जिसकी वजह से इस इलाके में कोरोना के केसेस पर नियंत्रण करने में थोड़ी कामयाबी मिली है। आमतौर से इस इलाके की बात जब भी की जाती है तो लोगों के जहन में यहाँ सरकारी नियमों को तोड़ने वाली छवि घूमने लगती थी, लेकिन कोरोना लॉकडाउन के समय में ये इलाका अपनी छवि को बदलने में भी कामयाब दिखाई दे रहा है। कोरोना से बचने के लिए अभी भी इसी तरह की सावधानी बरतने की ज़रूरत है, ये तब तक जब तक इस बीमारी का कोई स्थायी इलाज नहीं निकलता। ये बात यहाँ के आम नागरिक भी बखूबी जानते हैं। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग कोरोना से बढ़ने के लिए, इसलिए आप घर से बाहर निकले तो मास्क जरूर पहनना, और जैसे हम घर से बाहर निकलते हैं तो हम जेब में मोबाइल चेक करते हैं, हम पर्स चेक करते हैं, वैसे घर से बाहर निकलने से पहले आप मास्क पहनना जरूर चेक करें। मास्क आपकी सुरक्षा, आपकी फैमिली की सुरक्षा और समाज की सुरक्षा। आज का जो प्रोग्राम है वो नेश के थ्रू है, हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं मुंबई सेंट्रल और बाइकला और सिग्रीन मिलके। एक्चुअली मेरा तो मास्क डिस्ट्रीब्यूशन का बहुत टाइम से चल रहा है, तकरीबन 1.5-2 महीने से हम लोग मास्क डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, सैनिटाइजर का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो आज ये इसके अंदर में हमने इनके साथ में जुड़ के और इन्होंने जो मुहिम स्टार्ट की है उसमें उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से हम लोग ये मुहिम चला रहे हैं नेस की जानिब से, कि लोगों में अवेयरनेस आए, वो एहतियात बरते, क्योंकि देखिए अक्सर जब हम लोगों को समझाने की पुलिस कोशिश करती है, हम एक्टिविस्ट जो भी सोशल एक्टिविस्ट है वो लोग कोशिश करते हैं, तो लोगों का यही जवाब होता है कि भाई हमें तो कुछ नहीं होगा, ये अल्लाह के तरफ की बीमारी है। बेशक ये अल्लाह के तरफ की बीमारी है, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल ने भी फरमाया है कि आपको आपकी हिफाजत खुद करनी है, जब तक आप अपनी हिफाजत नहीं करोगे कोई आपकी हिफाजत करने नहीं आएगा। तो ये कोविड-19 से अगर आप ठीक से बचना चाहते हैं और आप अपने मास्क या फिर सोशल डिस्टेंसिंग को भूल जाते हैं, तो बशीर बद्र साहब का ये शेर अपने जहन में बिठा लीजिए, आज के हालात में ये आपकी ठीक से रहनुमाई करेगा। कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, ये नए मिजाज का शहर है, ज़रा फासले से मिला करो। आबिद नकवी, प्रेस 9 न्यूज़, मुंबई।